सो पीछे क्या है, पीछे क्या है वो? Hey guys, welcome to our channel Wroom with Kiran Sachin and welcome to yet another exciting video. आज की वीडियो में बहुत एक्साइटमेंट होने वाली है. उससे पहले हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं? BMW मोटर थाने जाने वाले हैं. वहाँ पर क्यों जाने वाले हैं उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए. बहुत ज्यादा एक्साइटिंग दिन होने वाला है आज का. अब यहाँ पे थोड़ा रुक के आपके साथ बातें करते हैं. Yes. कल हम लोग ने एक इम्पोर्टेंट वीडियो डाला था रिगार्डिंग किरण का गब्बर टाइगर 850 स्पोर्ट और उसमें कीबोर्ड वॉरियर्स बहुत सारे चालू हो गए. तो मुझे एक साइड में आने दो. ड्राइविंग करते करते बातें नहीं करनी चाहिए. आप लोगों को ये बताना है कि कल एक टाइगर 850 स्पोर्ट का वीडियो डाला था जहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स मुझे फेस हो रहा है वो बता रही हूँ मैं. जनवरी 30th को एक साल हो जाएगा गब्बर को और गब्बर से आई एम वेरी इमोशनली कनेक्टेड गाइस. तो अगर आप लोग को ये लग रहा है टू ऑल द कीबोर्ड वॉरियर्स, अगर आप लोग को ये लग रहा है कि वी जस्ट बाय बाइक्स, 15 लाख हमने सिर्फ इसलिए डाला है सो दैट हम लोग उस बाइक के बारे में बुरा बोल सके, तो आप लोग बहुत गलत हो. ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसकी जब भी टाइगर 850 स्पोर्ट ली थी वो टाइम पे टाइगर 800 XRX XCA का इतना नाम अच्छा था एंड दोज बाइक्स वर रियली गुड. उसमें भी हीटिंग थी बट 850 स्पोर्ट में हीटिंग है बट वो हीटिंग डिसिपेशन इज रियली बैड. मेरे पैर जल गए थे. किरण के उसका जो फैन है ना वो लोग ने आपके थाइस की तरफ कर दिया. वो पहले ऐसे जाता था अब वो ऐसे आता है तो लेग्स पे डायरेक्टली आता है. और मेरा और आप लोग ना पूरा वीडियो देखते नहीं हो. आप लोग ना पूरा वीडियो देखो, एक एक वर्ड सुनो और आप लोग मतलब जो लोग कॉमेंट कर रहे हैं ना गलत गलत कॉमेंट कर रहे हैं. 3-4 पैराग्राफ लिखने का टाइम है, पूरा वीडियो देखने का टाइम नहीं. मैंने क्लियरली ये बोला है कि जो पुरानी 800 है 900 है दे आर रियली गुड. हीटिंग इशू का तो जाने दो लेकिन एटलीस्ट वाइब्रेशन का तो कंप्लेन नहीं करते, राइट? मुझे 80 के ऊपर अगर वाइब्रेशन हो रही है तो मैं 80 BHP की बाइक क्यों चला रही हूँ. लोग बोलते हैं, एक का कमेंट था कि 130 के ऊपर वाइब्रेशंस है तो वो दैट इज मैनेजेबल. क्यों मैनेजेबल है? हमें मे बी हम लोग की गलती होगी, जब भी हम लोग खरीद रहे थे वो टाइम पे उतने रिव्यूज थे नहीं और जितने भी रिव्यूज थे नया था और मीडिया रिव्यूज थे और मीडिया रिव्यूज में इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि टेस्ट राइड लेके ये करो. तो 850 का तो बाइक भी नहीं था, टेस्ट राइड तो दूर की बात. BMW 850 उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था. मतलब उस टाइम पे जब मुझे बाइक एक साल पहले BMW 850 अवेलेबल नहीं था और एवरी बाइक दे हैव देयर ओन इश्यूज एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. वो हर बाइक के साथ होने वाला. अच्छा, जो भी ये बोल रहे हैं कि 130 के ऊपर वाइब्रेशन तो ठीक है, वीस्ट्रॉम 650 में 150, 180, 190 पे भी नहीं था वाइब्रेशन. इट वॉज दैट स्मूथ. और हम लोग ने कभी वीस्ट्रॉम 650 या फिर निंजा 650 सबके बारे में बुरा नहीं बोला यार, क्यों तो बोलेंगे? जो जहाँ पे पैसे इतने इन्वेस्ट किए हैं हम लोग के लिए इन्वेस्टमेंट ही है वो. ऑब्वियसली वी राइड अ लॉट गाइस. लास्ट 2 महीने में हमने 7,500 किलोमीटर खत्म किया है. सचिन की 2 महीने में बाइक की पूरी 7,000 या 8,000-10,000 कितना 8,000 किलोमीटर हो गया. सेकंड सर्विस का टाइम आ गया. अभी हम लोग सोच रहे कि एक छोटा राइड करें या बड़ा राइड करें क्योंकि वी आर इन कंफ्यूजन, क्योंकि जो राइड प्लान कर रहे हैं वो 6,000-7,000 किलोमीटर की राइड है और 2,500 में अभी थर्ड सर्विसिंग. गाइस थर्ड सर्विसिंग होने वाली है मेरे बाइक इसकी, थर्ड मेरी सेकंड. सो जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट कि अगर आप लोग सच्ची में कीबोर्ड वॉरियर बन रहे हो और 4-5 पैराग्राफ लिखने का अगर आप लोगों को सच्ची में इतना टाइम है ना तो थोड़ा वीडियो पूरा देखो और देखो कि मैं क्या बोल रही हूँ उसमें. इवन द पेड प्रमोशन, इवन द पेड रिव्यूज दैट वी डू, वी डिड ऑफ जावा, ये बहुत सारे हम लोग ने किए हैं. इस मतलब बहुत सारे ब्रांड्स आपको गलत बोलने के लिए या फिर अच्छा बोलने के लिए पैसे नहीं देती है. दे जस्ट वांट टू हैव अ रिव्यू विद दीज इन्फ्लुएंसर्स या ये यूट्यूबर्स. तो जो भी बोलते हैं वो हमारे जो अंदर से आता है वही बोलते हैं और वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स. जैसे आप लोग रिएक्ट करते हो ना चीजों को हम भी वैसे ही करते. तो हमें आप वो ब्लॉगर और ह्यूमन बींग अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं ह्यूमन बींग ब्लॉगर. एंड ये बात होता है कि मेरे पास भी सेम बाइक है, मेरे में इशू नहीं है तो ये लोग क्यों बोल रहे. तो गाइस ऐसा नहीं होता है, हर आदमी अलग होता है, हर औरत अलग होती है. मतलब सेम मैन्युफैक्चरर की सेम बाइक्स, मतलब दो डिफरेंट बाइक्स अच्छी नहीं हो सकती या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज. अब मतलब जैसे बुलेट मेरे पास थी, मेरे बुलेट में बहुत इश्यूज थे जो फर्स्ट थी. इसके पास एवेंजर थी, उसमें बिल्कुल जीरो इश्यूज. आई एंजॉयड दैट बाइक अ लॉट. मतलब हम लोग व्रूम के ब्रांड है, हम लोग ने व्रूम जर्विस मैन्युफैक्चर किया है और हमने 100 पीसेस बनाई है. तो 100 पीसेस में कुछ ना कुछ माइनर डिफरेंस रहता है. किसी की जिप थोड़ी इंच ऊपर रहती है, किसी की थोड़ी इंच नीचे रहती है, किसी की वेवी रहती है, बहुत सारी चीज. 4-5% इश्यूज आना हर एक चीज में
है, बट इसीलिए हम लोग वही बोल रहे हैं। लेकिन टाइगर 850 स्पोर्ट और 900 जो नई आई हुई है, उसके सारे क्लाइंट्स जितने भी हमारे स्टोर पर आते हैं, सब लोग का ये कंप्लेन है कि बाइक में वाइब्रेशन है, बाइक में हीट है, और बाइक वो इतना चलाते नहीं है तो उनको सीट का इशू इतना आया नहीं है। और ये थ्रॉटल बॉडी जो क्लीनिंग वाली आइटम है वो मुझे सीरियसली नहीं समझ में आती, मतलब पूरा दिन आपको उधर जाकर टैंक हटाकर वो पूरा क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो गाइस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर बाइक, सो यू डोंट हैव टू गेट ऑफेंडेड। पहली चीज तो वो जिनके पास ट्रायम्फ है वो लोग ऐसे बिहेव करते कि वो ब्रांड ओन करते हैं, और हाउ कैन यू से लाइक दिस, प्लीज स्पिट ट्रूथ। और हम लोग हमेशा वही करेंगे चाहे हमें पैसे मिले या नहीं मिले, ठीक है। तो आप भी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं BMW के शोरूम, और फोन आ ही रहा है, अभी देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या खुराफाती काम होने वाला है। तो लेट्स गो BMW मोटर रोड थाने। सो BMW मोटर रोड थाने यहाँ पे है। मुझे अप्सरा से आना था बट नहीं आए क्योंकि किरण की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बिना इसने कुछ खा लिया और अभी इसका डायरेक्ट हो गया है। शी यार, ओए ओए। क्या हो गया है? शी। पानी पूरी बना दे। हेलो। फील करेगा कि ओ किरण है। ये हाइट का था ना तू कभी? अरे तो इतना सा था। अभी क्या है? 2 साल पहले बड़ा हो जाता है। ये बढ़ने का टाइम है ना। बात कर अभी देखो, ब्लॉगर बनना है तो बात करना पड़ेगा। पता है वो भी आउट रहेगा क्या था? पता है, सजेस्ट यू समथिंग, व्हाटएवर यू वांट, सचिन इज देयर, ओके, स्टोर इज देयर, यू गो एंड डू योर शॉपिंग देयर। BMW का शोरूम में कपड़ा देखो क्या मस्त है। डुकाटी या गाइस, पापा ने ये तेरा था ना, सुपरमैन का हेलमेट, और सुपरमैन का हेलमेट था ना, ये सुपरमैन का हेलमेट पहन लिया और टी-शर्ट का आई एम, ये प्यार है अपना, प्यार है यार, क्लाइम क्रायोस प्रो, बस जलाओ हमें ये हेलमेट दिखा के। वी हैव साहब बतास आ जाओ। ये इससे ना 2 साल पहले हम 2 साल पहले बात किया था, तभी इतना बात किया था, अभी हम लोग 10 मिनट से है यहाँ पे, एक भी बात क्या हो रहा है? डर लग रहा है मुझसे, हम तो क्यों नहीं बात कर रहा, क्यों नहीं बात कर रहा? हाँ अभी बाहर जाता हूँ मैं, फिर मैं वीडियो कॉल करता हूँ, तभी बात करेंगे। ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डायरेक्टली टाइगर्स है BMW। स्टोरी स्टार्टेड 2 मंथ्स बैक, BMW वेल्ट, सचिन भाई के लिए कुछ उठा रहा था मैं BMW वेल्ट म्यूनिक में। दैट्स व्हेन इट किक्ड, ओके, बाय द वे, जब मैं वो उठा रहा था वहाँ से ये चीज़ उठा था मैं अपने लिए। दैट्स द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, बाय द वे, लव फॉर BMW, लव फॉर BMW। आई डिडंट गेट अ एस देयर, बट इट इज अ 5 सीरीज की, बट देन दैट्स वेयर द कनेक्शन स्टार्टेड विद BMW। वंस यू आर इन BMW वेल्ट इन म्यूनिक, नथिंग बीट्स इट, दैट एक्सपीरियंस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। And then you guys are there. prompt. And actually, you told me. I mean, you own 2 different brands, but you told me what is good about what. They stayed in Bangalore, लेकिन यहाँ पर से लेने का अलग मकसद था. So good. So credit goes to Sachin. अरे congratulations guys. Thank you. And by the way, God sent. Yeah. I won't deny that. God sent ही था कि एक बार बोला कि सचिन भाई ये देख रहा हूँ क्या बोलते हैं. Go for it. Go for it, without a doubt. And then आगे का is history. So yeah, that's my BMW story for you guys. So, without further ado, मुझे पता है आपके दिल में लड्डू फूट रहा है, वो कर रहे हैं। What the food is? चलो, t-shirt change कर लो। Let's go. 2, 3. वो तो आ जाएगा। थैंक यू, होप यू लाइक इट, ये लॉन्च के लिए थैंक यू फॉर द बाइक, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। कलर भी अच्छा ही है, पूरी हल्की है। हाँ, सैम को एक्चुअली टाइगर 850 लेनी थी किरण की। सैम को मैं 2-3 साल से जानता हूँ, हम लोग जब लद्दाख की स्पीति करके आए थे, हम लोग लद्दाख करके गए थे, और हम लोग यामाहा के बाइक पे थे उस टाइम। कोई कोई सब्सक्राइबर्स
फ्रेंड वो कनेक्ट हो जाते हैं ना, वो मतलब दिमाग से वो वेवलेंथ मैच हो जाती है और वो एक और है ना बहुत अच्छा लगता है जब छोटे बच्चे लोग भी हमारे वीडियोस देखते हैं तो वी हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल व्हाइल वी यूज डिफरेंट वर्ड्स और यू नो जो भी बैड वर्ड्स होते हैं हम लोग कभी भी यूज नहीं करते ओनली बिकॉज देर आर लॉट ऑफ छोटे छोटे बच्चे जो हम लोग को फॉलो करते हैं और हम लोग की वीडियोज देखते हैं. तो श्रीहंत ऐसा ही बच्चा है जो बहुत पहले से हम लोग की वीडियोज देखता है. और इफ़ यू गाइस आर थिंकिंग कि गब्बर का बारे में अगर मैं ये सब बता रही हूँ तो बिकने वाली है ऐसा कुछ नहीं है. तो अजम्पशंस क्यों नहीं कर, मतलब मेरे को लगता है लाइफ में अजम्पशंस इट्स वेरी इंजूरियस टू हेल्थ. यू शुड नेवर अज्यूम थिंग्स. अगर मैं कुछ चीज़ों के बारे में बता रही हूँ कि ये चीज़ में ये इशू है ये इशू है तो वो इसलिए बता रही हूँ सो दैट आपकी हार्ड अर्न मनी कहीं इधर उधर नहीं चले जाए. Okay, I'm just trying to save you guys. If you want to take the bike, please go. Realize. Tiger 850 Sport definitely अच्छी है, काफी raw है, electronics कम है. आपको लेनी है तो वो definitely ले सकते हो. But अभी हम लोगों ने इतने सारे उसमें changes किए हैं. आप लोग वो करके definitely ले सकते हो. But as of today, मैंने Sam को गब्बर कहीं नहीं जा रहा है. In short, Sam भी he was supposed to take Ram Tiger 850 जो सचिन ने बोला. But we tried to save him. और luckily even उनकी wife को चाहिए था कि वो BMW ही ले क्योंकि वो IBW गए थे. She fell in love with BMW. ले लेते करके. So that's a good thing. Before ending this video, मुझे एक छोटी सी चीज़ बतानी है आप लोगों को कि लाइफ है ना बहुत छोटी है तो सब मिस्टेक्स खुद करके खुद सीखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अदर्स मिस्टेक और उससे सीख कर वाइज डिसीजन लो. वी आर मेकिंग ऑल दीज वीडियोज अबाउट ट्राइम्फ टाइगर्स ओनली बिकॉज ये वाली जो सीरीज है जो अपनी पुरानी 800 वो सही में बहुत अच्छी है. अगर आपको प्री ओन लेनी है तो गो अहेड. लेकिन अगर आप नया 850 ले रहे हो या 900 ले रहे हो तो मत लो अभी फिलहाल के लिए, होल्ड पर चले जाओ क्योंकि मे बी वो लोग कुछ जो भी इश्यूज हम सब कस्टमर्स को आ रहे हैं वो सुनकर ट्राइम्फ शायद रिएक्ट करे और एक्ट करे वो चीज़ पे और शायद कुछ अच्छा मशीन और जो अपनी पुरानी थी उसमें अच्छी वाली मशीन में क्यों चेंजेस करते हैं मुझे नहीं समझ में आता. BMW 1250 GS बोलो जैसा वो था ना वो वैसा ही है अभी भी. सबसे मेन इशू है वाइब्रेशंस. बाकी के सभी इश्यूज वी कैन मैनेज बट व्हेन यू स्पेंड 15 लाख में इसको यही बोलते हो कि 15 लाख की तो बुलेट चलाती है तो अरे तो बाकी सब चीजें ना आप लोग इग्नोर कर सकते हो. हीटिंग है वो ऑब्वियसली हर ये सब बड़ी बाइक्स है तो इसमें हीटिंग होती ही है तो हीटिंग वीटिंग सब मैनेज हो जाता है. सीट वीट सब अभी नहीं मैं सब मैनेज करके मैं बाइक चलाऊंगी बिकॉज बाइक के साथ एक रिलेशनशिप होती है आपको उसको जस्ट ना मेरे को पसंद नहीं चल. एंड हम लोग जरा ना ओल्ड स्कूल टाइप से हमारे मॉम डैड जैसे ही है. आजकल जो देखते हैं ना कि ये झगड़ा हो गया इसका डिवोर्स हो गया ये हो गया तो हम लोग ऐसे टाइप के हैं नहीं. तो गब्बर के साथ एक रिलेशनशिप है मेरा. आई एम इमोशनली कनेक्टेड टू माय बाइक एंड नहीं जा रहा है गब्बर नहीं जाएगा. मैं उसके बारे में और बताऊंगी आपको क्या इश्यूज हो रहे क्या नहीं हो रहे बट आई एम गोइंग टू लिव विद इट एंड आई एम गोइंग टू राइड इट. 1 लाख किलोमीटर करना है मैंने गब्बर बिकॉज हम लोग ने ना इतनी मतलब निंजा हो गए वी स्ट्रॉम हो गए CBR हो गए हम लोग ने इतनी बाइक चलाई. हम लोग को ये समझ में आ गया कोई भी बाइक लो उसमें कुछ ना कुछ माइनर मेजर इश्यूज आने ही वाले हैं. BMW 850 बोलो या 1250 बोलो GS जो भी बोलोगे ना सबके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है. तो कोई भी बाइक ना परफेक्ट नहीं होती है. और फिर कभी कभी है ना हम लोग सर्विस सेंटर में जाते हैं तो वो लोग हमें ये बोलते हैं कि अरे इतना कोई बाइक चलाता है क्या, मतलब इतना बाइक चलाते हो, मतलब बाइक लिए क्योंकि चलाना है राइट. हमें 500,000 करना रहता तो हम लेते ही क्यों बाइक को. वी आर द बाइकर्स. तो जब ये सुनने को मिलता है ना सर्विस सेंटर में कि यार इतना कोई बाइक चलाता है क्या तो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हम लोग ने बाइक चलाने के लिए लिया है और चलाते चलाते जिस तरीके से हम लोग को जो भी इश्यूज आते हैं वो हम लोग आपकी तरफ पहुँचाते हैं. इट्स योर डिसीजन यू वॉन्ट टू गो फॉर ट्राइम और यू डोंट वॉन्ट टू गो फॉर ट्राइम. अगर आप लोग को फिर भी ट्राइम अच्छे लगते हैं जस्ट गो फॉर इट बिकॉज टेस्ट राइड ले लो. हमारी बात मत सुनो. आप लोग को अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली लो. लेकिन आई एम गोइंग टू स्पिट ट्रूथ एवरी टाइम एंड एनी टाइम. सो Wroom इज ऑल अबाउट दैट. लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कीप Wrooming. ऑलवेज कीप Wroom.